खबर बल्ले जनपद से, जहां गोलीकांड में पहुंचे आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने बताया कि पुलिस ने टीमें गठित कर दी है और हर जगह दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि कोटे की दुकान को लेकर विवाद के बाद यह घटना हुई। जब एसडीएम ने बैठक निरस्त कर दिया था, तब कार्रवाई को लेकर वहां पर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें डब्ल्यू सिंह को आरोपी बताया गया है, जिसने वहां पर फायरिंग की, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। बल्ला जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एकदम ले रहा है सर। कहाँ मारे क्या मारे सर? गोली लग गया किसी लोगों को। सर, दुर्जनपुर में एक घटना हुई है जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सर, क्या है पूरा मामला और क्या उसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, इसमें अभी पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र वहां पर उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि मैं अभी अभी यहां पर बलिया में आया हूं। मुझे अभी हो सकता है कि अभी कुछ और अपडेट्स हो गए हों जिसकी मुझे भी जानकारी ना हो, तो कुछ टाइम बाद मालूम करके मैं इस बात को बता पाऊंगा। लेकिन शीघ्र जो है दबिश पड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, टीमें गठित कर दी गई हैं जो मेरी जानकारी में है, और मेरा मानना है कि शीघ्र गिरफ्तारी कर दी गई है। घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम जो मुझे जानकारी है, किसी कोटे की दुकान को लेकर विवाद के बाद जो है घटना एक हुई है। उसके बाद जब एसडीएम और सीओ वहाँ पे जब ये निरस्त कर दिया था एसडीएम ने वहाँ पे कार्रवाई को लेके, वहाँ पे ये फायरिंग की घटना हुई है जिसमें जो ये डब्लू सिंह हैं इनको नामजद करा गया, इनको आरोपी बताया गया। इन्होंने वहाँ पे फायरिंग करी है जिसमें एक वहाँ पे स्थानीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कोटे को लेकर विवाद था वहाँ पे। ये सर, ये जो आरोपी हैं, बताया जा रहा है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? देखिए, पुलिस और प्रशासन की नज़र में जो अभियुक्त रहता है वो अभियुक्त रहता है, उसमें वो किसी दल विशेष से किससे जुड़ा हुआ ये मतलब नहीं रहता। तो जो भी अभियुक्त होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो चाहे किसी भी जो भी उसकी पृष्ठभूमि हो उसको नजरअंदाज करें। आपके जानकारी में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ पर, कुछ टाइम पहले ही जनपद में पहुंचा हूँ, कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई। अभी तक मैं पुष्ट नहीं कर सकता हूँ अभी यहाँ पर, लेकिन अभी टीमें गठित हो गई हैं और पुलिस मुस्तैदी से अपने कार्रवाई में लगी। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।